नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां आजाद मार्केट में एक बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। आजाद मार्केट में चार मंजिला इमारत गिर गई है और इमारत हादसे में तीन मजदूरों की मौत और कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव की जो टीमें हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में कई लोगों के दबे होने की सूचना भी सामने आ रही है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अचानक से चार मंजिला इमारत ढह गई है। इस दौरान तीन मजदूरों की मौत हो गई और कई लोगों के दबे होने की घटना बताई जा रही है, जानकारी है, और राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत के चेयरमैन का बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बार बालाओं के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चलें कि इस बीच उनके हाथों में नोटों की गड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें कि उनका ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये वीडियो सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर पंचायत के चेयरमैन का है और चेयरमैन इस वीडियो में बार बालाओं के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें डांस कर रही बार बाला चेयरमैन के गले में बाहें डाल के नजर आ रही है और चेयरमैन भी यहां पर डांस करते नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में नोटों की गड्डियां हैं। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि चेयरमैन किस तरह से बार बालाओं पर पैसे उड़ा रहे हैं और वीडियो काफी तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद विश्वभर में दुख पसरा हुआ है। हर कोई एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी विदाई उन्हें देना चाहता है और इसी के लिए हर कोई परेशान भी है। इस परेशानी के बीच अहम सवाल यह उठता है कि महारानी के अलग होने के बाद आखिर किन किन देशों में उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज झुकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर कम से कम 54 देशों में झंडा जरूर झुकाया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन की महारानी ही नहीं थी, बल्कि उन 54 राष्ट्रमंडल देशों की भी प्रमुख थी जो कभी ना कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 54 स्वतंत्र देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और ये संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य में गुलाम रहे हैं। ऐसे में इन देशों का झंडा तो जरूर झुकेगा। बाकी देश आज शोक के साथ अन्य जानकारी दे सकते हैं। बता दें आपको कि एशिया के कई देश, अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश और पैसिफिक देशों समेत यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीय ध्वज महारानी के सम्मान में आज झुके रहेंगे।